यमुनानगर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले के दयालगढ़ गांव में एक ही परिवार के 6 लोग इस रोग से पीड़ित हैं, जिनमें से 4 में सेल की कमी पाई गई है, जबकि 2 डेंगू से पीड़ित थे, जिसमें से 4 लोगों को यमुनानगर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जबकि 2 की हालत ठीक थी तो उनको अस्पताल ले जाकर घर भेज दिया गया। सर्दी शुरू होने के साथ ही डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज बुखार होना, उल्टी आना, शरीर टूटना, ये सब डेंगू के लक्षण है। इसमें मानव शरीर से सेल की कमी हो जाती चीज के एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे या कोई नहीं? कोई नहीं पहुंचे, मतलब कोई नहीं आया थे, सिर्फ अपना एक ना तो छुट्टी होकर चला गया, ये अपना दो अपने ये पे ने कोई नहीं आया, किसी ने कोई नहीं, किसी ने पूछा कि होया कि नहीं, क्यों होया, दो ने एक आप हो रहे हुए ने और किसी पिंड के दयालगढ़ के अपने 6 सके, 2 ये है और अपना चले गए। आजकल ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं वायरल फीवर जिसको हम बोलते हैं, इट इज सीजनल, हर साल हम इसको देख पाते हैं। इसमें जो पेशेंट की प्रॉब्लम थी ज्यादा, उसके अंदर ज्यादा पेशेंट को बहुत ज्यादा बॉडी में पेन, हाई ग्रेड टेम्परेचर, कच्चा जी, वॉमिटिंग और भूख बंद हो जाती है पेशेंट की। कई बार पेशेंट के पेट में भारीपन शुरू हो जाता है, पेशेंट के पेट में दर्द भी होता है, ये कॉमन सिम्टम है जिनका पेशेंट आता है। और कई कई पेशेंट का रैश भी होता है बॉडी पे, रेड रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, ये ज़्यादा कॉमन सिम्टम। हर बुखार को हम डेंगू बुखार नहीं बोल सकते हैं। जिन लोगों को डेंगू बुखार सस्पिशन होता है उन पेशेंट्स का हम कार टेस्ट करते हैं, जब कार टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद CM दफ्तर से अथॉरिटी से पेशेंट को आते हैं क्लर्क, एंड दे टेक द सैंपल्स एंड दे टेक द एड्रेस, फिर उसके बाद गवर्नमेंट अपने लेवल पे उसको फॉगिंग कराती है या सैंपल्स वगैरह चेक करा के फॉर द प्रिवेंशन। जो हम वायरल बुखार तेज आ रहा है और इसको हम डेंगू ही बोलते हैं, इसके पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट को इमीडिएटली अपना खाने के अंदर फूड इनटेक बढ़ा देनी चाहिए, उसमें दूध है, जूस है, सूप है, नारियल पानी, नींबू पानी, चिकन भी, जिसके अंदर थोड़ा सा और इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल जो होता है, इसको देने से पेशेंट के अंदर कमजोरी कम रहती है। और हाई ग्रेड टेम्परेचर से बचना चाहिए। जब पेशेंट आए थे हमारे पास, एक ही गांव परिवार से आए थे, उनको बहुत ज़्यादा सेल की कमी आई थी, लेकिन डेंगू उसमें से 2 को पॉजिटिव आया था, और उसके अंदर अब तो कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं, वो रिकवर हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशन को ज़्यादा किस जी सर पेशेंट दयालगढ़ से आए। तो अब इतना मीडिया हमारा और इतना गवर्नमेंट तरफ से बैकअप हो रहा है कि हर 6 महीने पहले गवर्नमेंट बोलती है कि कहीं भी गंदा पानी न खड़ा होने दें, पानी खड़ा होने से प्रॉब्लम होती है, पूल उसको साफ करें, मच्छर खड़े ना हों, नालियाँ साफ होनी चाहिए हमारे घरों के आसपास, जहाँ भी हमें लगता है पानी खड़ा रहा है वहाँ पे हम पानी खड़ा ना होने दें, और पानी खड़ा होता है तो उसके अंदर मच्छर छिड़काव करना चाहिए तो मच्छर ना उठे, वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ थी। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, घर के आसपास कूड़ा भी ना हो, पानी है ना, कूड़ा भी ना होना चाहिए ताकि मच्छर ना पनपे, आदमी की सेफ्टी बढ़े।